हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीप भाटिया। मेरे यूट्यूब चैनल दीप भाटिया फोटोग्राफी .com में आप सभी का स्वागत है। मैं फोटोग्राफी में करीब 35 साल से हूं और फोटोग्राफी एज ए फाइन आर्ट एज ए प्रोफेशन परस्यू कर रहा हूं, और फोटोग्राफी को सिखाना लोगों को भी एक मेरा पैशन है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आज के फोटोशॉप के इस वीडियो में मैं एक एडजस्टमेंट लेयर ब्लैक एंड वाइट के बारे में जानकारी शेयर करूंगा। किसी भी कलर पिक्चर को हम कैसे ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो सारे फीचर्स है, सारा जो तरीका है, मैं कैसे करता हूं, मैं आप सारे शेयर करूंगा। अब फोटोशॉप के एडजस्टमेंट लेयर्स है, उसमें से मैं लेयर सेलेक्ट करूंगा ब्लैक एंड वाइट। ये हमारा ब्लैक एंड वाइट जो पैनल खुल गया, इस डायलॉग बॉक्स है ब्लैक एंड वाइट का। इस पैनल के बारे में पहले मैं जानकारी दे दूं, इसमें 6 स्लाइडर्स हैं, डिफरेंट कलर्स, रेड्स, येलोज, ग्रीन्स, सियान्स, ब्लूज एंड मैजेंटा। देखिए, अगर आप यहाँ देख सकते हैं, लेफ्ट साइड बिल्कुल डार्क है और राइट साइड में बिल्कुल लाइट है। सारे के सारे जो स्लाइडर्स है इसी तरह से, अगर मैं रेड को मूव करता हूँ लेफ्ट की तरफ तो रेड कलर है वो डार्क होता जाएगा तरह से, और राइट को अगर मैं करूंगा तो ये लाइट हो जाएगा। इसी तरह से बाकी सभी स्लाइड लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट साइड में जो है -200, राइट साइड में 300 वैल्यू है। सभी स्लाइडों में लेफ्ट साइड में -200, राइट साइड में 300 प्लस 300। सो हम यहां इन स्लाइडर को मूव करके अपने जो चॉइस के हिसाब से, जो आपका टेस्ट है उस हिसाब से कलर पिक्चर को कन्वर्ट कर सकते हैं ब्लैक एंड वाइट। अब मैं ये बता दूं कि यहाँ बहुत सारे प्रीसेट्स हैं। ये डिफॉल्ट, सबसे पहले डिफॉल्ट है, और उसके बाद ब्लू फिल्टर, उसके बाद डार्कर कलर, और ये सारे जो है ग्रीन, हाई कंट्रास्ट ब्लू फिल्टर, हाई कंट्रास्ट रेड फिल्टर, इंफ्रारेड लाइटर, मैक्सिमम ब्लैक, मैक्सिमम वाइट, न्यूट्रल डेंसिटी, येलो फिल्टर एंड कस्टर। सो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ। अगर मैं कर्सर को नीचे को मूव करता हूँ तो इसका आप देख सकते हैं कि यहाँ पिक्चर में चेंज आ रहा है। एक तो ये तरीका है कि आप प्रीसेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये जैसा आप चाहते हैं कई बार ये ऐसा बना के नहीं देते, तो इनका ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा तरीका जो बढ़िया तरीका है, मैं डिफॉल्ट में चला जाता हूँ। यहाँ एक टारगेटेड एडजस्टमेंट है, इसमें एरो है लेफ्ट और राइट। अगर इस ये ड्रॉपर बन गया, अगर हम इस ड्रॉपर को जिस कलर पे भी रखेंगे और लेफ्ट और राइट को मूव करेंगे तो लेफ्ट को डार्क होगा, राइट को लाइट होगा। एक तो ये तरीका कि इस तरह से हम पिक्चर के अंदर ही कन्वर्शन कर ले, जैसे फेस में रेड येलो कलर से यहाँ इफेक्ट होता है। अगर फेस को मैं राइट की तरफ मूव करता हूँ तो देखिए रेड स्लाइडर मूव करता है, और यहाँ मुझे कितना रखना है मैं डिसाइड कर सकता हूँ। उसके बाद जो हम देखें, जो ब्लू कलर है शायद इसके ड्रेस के ऊपर ब्लू कलर है, और ब्लू को इस टारगेटेड एडजस्टमेंट प्रॉपर को मैं राइट को मूव करता हूँ तो ब्लू लाइट होता है, लेफ्ट को मूव करता हूँ तो डार्क होता है। तो मुझे कहाँ रखना है ये मैं अपने टेस्ट के हिसाब से, मुझे यहाँ कुछ थोड़ा सा डिटेल भी चाहिए। इसी तरह से जो और इसको ऑफ करके हम देख सकते हैं कि पिक्चर में जैसे इसको ऑन कर लिया, कुछ यहाँ जैसे कलर है लिपस्टिक में भी रेड इस्तेमाल हो रहा है, और थोड़ा ये जो मैजेंटा कलर है इसको। उसके बाद हम यहाँ स्लाइडर्स को फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं। एक बार आप टारगेटेड एडजस्टमेंट का इस्तेमाल कर लीजिए, उसके बाद ये जो स्लाइडर है इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैजेंटा है, मैजेंटा कलर लिप्स पे जो लिपस्टिक है इस पर काम कर रहा है, इसको मैं डार्क कर रहा हूँ, या जो इसका दुपट्टा है उसको, उसके जो डिज़ाइन है उसको वो डार्क कर लाइट कर रहा है।
या लिपस्टिक को आप डार्क करना चाहें तो लेफ्ट को मूव कर लीजिए, मेरे डार्क ही अच्छा लगेगा, अदरवाइज राइट को। और जब मैं राइट स्लाइड को मूव करता हूँ, मुझे देखना कि फेशियल डिटेल्स, मतलब तो फेस डिटेल है, ना बहुत वाइट हो ना बहुत डार्क हो, ना मुझे डार्क ग्रे चाहिए ना मुझे बहुत लाइट चाहिए। तो इसके लिए हम हेल्प ले सकते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम हम इन स्लाइडों को इतना मूव करना है कि यहाँ से स्पाइक नहीं निकलनी चाहिए, यानी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लिप नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ अगर मैं इसको ज़्यादा मूव कर देता हूँ तो यहाँ से स्पाइक निकलना शुरू हो जाएगा, और ये मुझे नहीं करना है, इसको मैं पीछे कर देता हूँ। तो ये मेरे हिसाब से ये ठीक है, ये कन्वर्शन का काम, कन्वर्शन। तो एक और पिक्चर लेते हैं, ये पिक्चर है एक, और इसका ब्लैक एंड वाइट कन्वर्शन करते हैं। देखिए इसमें ग्रीन कलर है और येलो कलर है, रेड कलर है। सबसे पहले मैं एडजस्टमेंट लेयर में जाता हूँ, और ये जो एडजस्टमेंट लेयर है ब्लैक एंड वाइट, चार तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट एडजस्टमेंट लेयर्स का एक पैनल है, यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ एक ब्लैक एंड वाइट सर्कल बनता है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से ब्लैक एंड वाइट ले सकते हैं, और यहाँ लेयर में जाके भी आप लेयर में जाके भी न्यू एडजस्टमेंट लेयर भी ले सकते हैं। सो यहाँ से भी ब्लैक एंड वाइट ले सकते हैं, तो यहाँ से भी देखिए ये खुल गया। अब इस पिक्चर में जैसे मैंने बताया कि तीन कलर हमने ऑब्जर्व किए सबसे पहले, अब टारगेटेड एडजस्टमेंट ड्रॉपर है, थोड़ा फेस को थोड़ा सा लाइट करेंगे, और ये जो ग्रीन एरिया है इसको मैं थोड़ा डार्क करना चाहता हूँ, और थोड़ा बाकी फाइन ट्यूनिंग के लिए हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे ग्रीन है, ये ग्रीन जो इसका दुपट्टा है इसको लाइट करना चाहता हूँ, और फेस को और थोड़ा सा लाइट, और इसमें येलो और रेड दोनों साथ साथ चलते हैं, येलो और रेड को मिलके ऑरेंज बनता है। वैसे जनरली फेस जो है ऑरेंज कलर पे होता है, लेकिन दोनों को हम साथ मूव करेंगे हो सकता है। अब देखते हैं कि मैजेंटा कलर में अगर हाँ लिपस्टिक है मैजेंटा कलर, तो इसको हम डार्क कर सकते हैं, और जिस लाइट को मूव करेंगे जो उसके अब नेल पॉलिश ब्लू है तो इसको डार्क कर सकते हैं, बाकी देखिए क्रोमेटिक लुक के लिए। और साथ ही हमने यहाँ ऑब्जर्व करना है कि हमारी स्पाइक कहाँ में निकलनी चाहिए। ये लेफ्ट साइड में जो डार्क ग्रे है यानी ब्लैक टोन्स में स्पाइक है, लेकिन यहाँ बिल्कुल अंधेरा है अंदर, और यहाँ अगर ब्लैक रहे भी हमें तो दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो स्पाइक एक्सेप्टेबल है। लेकिन राइट हाईलाइट्स में स्पाइक ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, और छोटी इतनी सी होगी तो चलेगी। तो हमारा कन्वर्शन हो गया, और हम टिंट भी कर सकते हैं। टिंट का मतलब है कलर आइज, जैसे यहाँ ऑलरेडी यहाँ बाई डिफॉल्ट कलर है, इस कलर को अगर क्लिक करता हूँ तो कोई भी कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ कलर पैनल में जाके भी मैं कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे ये हो गया। और इसका जो है बाद में ऑपेसिटी यहाँ से हम कम रिड्यूस कर सकते हैं। तो एक तीसरी पिक्चर है, एक पिक्चर है लटमार होली वृंदावन, सॉरी मथुरा और नंदगांव। इसमें देखिए कलर्स, सबसे पहले हमें एडजस्टमेंट लेयर सेलेक्ट करने से पहले कलर्स को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कौन कौन से कलर्स हैं। देखिए एक तो ग्रीन कलर है, इसको हम हाईलाइट करेंगे, वैसे भी हाईलाइटेड है इसमें कलर पिक्चर। दूसरा यहाँ ऑरेंज यानी येलो रेड पिंक और थोड़ा ब्लू, ये कलर है। तो चलिए ये लेयर में सेलेक्ट करता हूँ ब्लैक एंड वाइट, और यहाँ टारगेटेड एडजस्टमेंट मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। ये जो लाइट करेंगे इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ मैं, ग्रीन कलर जो इसका सारी है इसको हाईलाइट करेंगे। थोड़ा इसके लिए सियान और ग्रीन कलर्स मिलके ही बना। अब मैं इसका जो ऑरेंज कलर को डार्क करूँगा, रेड कलर को डार्क करूँगा, और यहाँ इसमें इस पर्सन का पिंक ड्रेस है,
उसको मैं अडॉप्ट करना चाहूँगा ताकि यस। और साथ ही मुझे ऑब्जर्व करना है कि हिस्टोग्राम कोई जेट ब्लैक भी नहीं होना चाहिए, इसके लिए मुझे क्या करना है, जो डार्क रेड को थोड़ा सा देखिए, जैसे रेड को मूव कर रहा हूँ तो ये स्पाइक छोटी हो रही है, मुझे इतना ज़्यादा भी नहीं करना है और इतना कम भी नहीं करना है कि ताकि वो इफेक्ट ना आए। बाकी चीज़ें हम बाद में किसी और लेयर से भी एडजस्ट कर सकते हैं। और जैसे यहाँ स्पाइक तो हाईलाइट में स्पाइक निकल गई तो इसको मैं कम करना चाहूँगा। हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन क्लिप नहीं होनी चाहिए ड्यूरिंग पोस्ट प्रोसेसिंग ड्यूरिंग एडिटिंग। सो अभी देखिए स्पाइक्स हमारी ठीक है, लेफ्ट साइड में डीप शेडो में अगर थोड़ी है भी तो इतना एक्सेप्टेबल है, लेकिन राइट साइड में थोड़ा सा है तो चलेगा। कहीं ना कहीं जो ज्वेलरी जो शाइन करती हैं वो चीज़ें हाईलाइट आ रही है। तो अब मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि इसको फर्दर कैसे हम कर सकते हैं। एक तो इसकी इम्प्रूवमेंट है कि ओवरऑल इसको डार्क कर देंगे पिक्चर को कर्व टूल की हेल्प से और बेटर हो जाएगी। और इसमें मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि हम यहाँ एक ओवरऑल जो सराउंडिंग एरिया को मैं डार्क करना चाहता हूँ उसका मैं तरीका बताना चाहूँगा। ये मैंने ब्लैंक लेयर ली और मार्की टूल एप्लिटिकल मार्की टूल सेलेक्ट किया है और इसको हम इसको सेलेक्ट करेंगे और जो सराउंडिंग एरिया है जो लोग हैं इनको थोड़ा सा डार्क टोन में बनाएंगे तो ये जो लेडी है विद स्टिक वो हाईलाइट हो जाएगी। तो मैं साइड में थोड़ा सा डार्क टोन को करना चाहता हूँ और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट में जाके सिलेक्शन को इन्वर्स कर दिया। अभी मेरा जो लेडी को बचा कर बाकी सारी चीज़ें सिलेक्टेड हैं तो यहाँ मुझे क्या करना है, ब्लैक कलर को फिल करना है। यहाँ बकेट लिया मैंने, पेंट बकेट टूल, डार्क कलर फोरग्राउंड में सिलेक्टेड है, इसको मैंने यहाँ क्लिक कर दिया और यहाँ मुझे सॉफ्ट लाइट ब्लाइंडिंग मोड सेलेक्ट करना है और यहाँ थोड़ा सा इसको कंट्रोल डी करके मैंने इसको हटा दिया। अब यहाँ एक हम ब्लर फिल करें, फिल्टर ब्लर गॉसियन ब्लर और मैक्सिमम ब्लर ताकि इसमें जो शार्प एजेस है वो खत्म हो जाए। ये देखिए कि यहाँ पूरी तरह से ये हमारा मर्ज हो गया है और यहाँ हम कर सकते हैं जो हमारा ओपेसिटी है इसको कम बिफोर आफ्टर, थोड़ा सा जो क्राउड है उस पर अगर कम अटेंशन जाती तो वो बेटर है, तो इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन इतना इस तरीके से अगर करेंगे जैसे मैंने किया है तो पता भी नहीं चलेगा कि आपने कुछ इसमें विग्नाइटिंग इफेक्ट किया हुआ। सो अब फाइनली इसको फाइन ट्यून करने के लिए एक और कर्व टूल लेते हैं और इसमें कंट्रास्ट यस तो ये फाइनल। सो हमने देखा कि तीन पिक्चर्स को ब्लैक एंड वाइट कन्वर्ट किया है एडजस्टमेंट लेयर ब्लैक एंड वाइट को की हेल्प से। एक ये पिक्चर है, इसी पिक्चर इसको पोर्ट्रेट इसको इम्प्रूव किया है और इसमें थोड़ा सा और अगर कंट्रास्ट क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ बैकग्राउंड में देखता हूँ कौन सा कलर यहाँ ब्लैक की तरफ यस मैजेंटा से कंट्रास्ट फैला हुआ यस ये हो गया। और तीसरी पिक्चर ये है, अगर मैं कलराइज टिंट हटा देता हूँ तो ये हमारा कन्वर्शन है और इसको भी फर्दर जो है दूसरी लेयर की हेल्प से इनको हम एस शेप में अगर करता हूँ तो यहाँ कंट्रास्ट इस तरह से एस शेप में कंट्रास्ट आ गया। तो इस तरह से हम अपनी जो पिक्चर्स है कलर पिक्चर को ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं हम ब्लैक एंड वाइट एडजस्टमेंट लेयर की हेल्प से। और मैंने इसमें जो आपको बताया वो है कि टारगेटेड एडजस्टमेंट अगर आपको अवेलेबल है तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए।
सो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं।